ओके, तो फ्री फायर के अंदर कभी तुमने ऐसी चीज देखी है जहां पे एक रिंग के अंदर पांच बंदे, चार तो एनिमी है और मैं अकेला इसके बीच में घुस चुका हूँ। व्हाट यार, क्या करते हैं फ्री फायर वाले। और मेरा जो रिंग है ना, वो देखो 90 मीटर दूर पड़ा है और मैं अकेला इसके बीच में। पता नहीं आगे क्या ही होने वाला है एंड कैसे हुआ ये भी जानना चाहोगे ना, तो चलो वीडियो के एंड तक देख लेना। और हाँ, अभी बताऊंगा बहुत सारे लेजेंडरी बनना तुम फ्री में कैसे यूज करोगे, बहुत सारी ट्रिक है यार, तुम वीडियो के एंड तक देखो। तो चलो गाइस, फर्स्ट वाली स्टार्ट करते हैं और ये होता है हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट, जिसके लिए मैं चाहिए होगा एक ओरियन कैरेक्टर। यार ये खतरनाक सा है, तुम लोग देखना भी। तो हमें एक ओरियन कैरेक्टर चाहिए जो कि हमने चार्ज कर लिया। अब अगर तुम्हें पता होगा कि जब हम इस ओरियन कैरेक्टर को यूज करते हैं, एनिमी से पावर खींचता है, बाकी इसके अलावा तो कुछ हो नहीं रहा है ना। ये देखो, हमने यहाँ पर यूज किया, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जो कि कुछ अलग हो। चलो वह फिर से यूज करते हैं एंड ये लो। नहीं यार, कुछ भी नहीं हुआ ना। देन अब होगा मैजिक। तो अभी हमें क्या करना है, एक गाइस कटाना ले लेना है और ओरियन को चार्ज कर लेना है। और अगर नॉर्मली कटाना को फायर करोगे तो कुछ भी नहीं होता। हमें यहाँ पे क्या करना है ना, कटाना को फायर करना है और उसके बाद ओरियन का यूज करना है। और ये लो गाइस, कुछ हुआ क्या यार? नहीं, चलो ठीक है, एक बार फिर से सुन लो अच्छे से गाइस। भाई क्या ये कौन आवाज कर रहा है इतना ज्यादा? अरे ये और कोई नहीं भाई, ये हमारा ओरियन कैरेक्टर है, ये आवाज कर रहा है। तो जब तुम कटाना का यूज करके कुछ इस तरह से हरकतें करोगे ना भाई, ओरियन का यूज करोगे, तो पता नहीं क्यों कैसे ये बहुत ही अजीब तरह से आवाज करता है। लेकिन हाँ, ये कटाना इसके साथ ही वर्क करता है, बाकी किसी वेपन के साथ में करोगे ना तो ये काम नहीं करेगा। सो तुम एक बार ट्राई करके जरूर से देख लेना। चलो ठीक है, अब दिखाता हूँ गाइस एनिमी के साइड पे हम कैसे घुस सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक सेंटिनियो कैरेक्टर। तो सबसे पहले जाना और इस कैरेक्टर को चेंज कर लेना, हमें सेंटिनियो को ले लेना है। और उसके बाद गेम को कट करो, यहाँ से हटाओ। और हमें चाहिए ये ट्रबल बैटल रॉयल, क्या है हाँ, इस नए वाले मोड को स्टार्ट कर लेना। ओके, अब जैसे ही मोड स्टार्ट होता है ना, तो गाइस देखो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये थोड़ा लोडिंग चल रहा है। ओके, सो जैसे ही स्टार्ट होता है हमें क्या करना है, यहाँ पर साइड बनाना है और सेंटिनियो कैरेक्टर का यूज करना है। अब जब सेंटिनियो का यूज करोगे ना, ये जो है ना वो रिंग छोड़ के बाहर चले जाता है। और जब ये रुकेगा उसी टाइम पे टेलीपोर्ट कर लेना और तुरंत से अपने नेट को ऑफ कर लेना। नेट को ऑफ क्यों करना है वो तुम्हें बताऊंगा फिर आगे। सो जैसे तू टेलीपोर्ट करते हो, ये लो हम इस रिंग से इजी तरीके से बाहर आ चुके हैं, है ना एकदम मस्त वाला। यार ये तो कुछ भी नहीं, तो हम ये रिंग से बाहर आ चुके हैं ना। चलो अब चलते एनिमी के साइड पे, वैसे हमारे पास में एक एनिमी है तो चलते देखते हैं ना वहाँ पे क्या चल रहा है, मस्ती वस्ती कर रहे हैं या फिर ऐसे ही बैठे हुए हैं। ओके ये लो गाइस, हम एनिमी के सामने तो आ चुके हैं और ये लोग भी दौड़ रहे हैं। भाई ये भी रिंग से बाहर नहीं आए हैं, तो क्यों ना हम इसके रिंग के अंदर ही चले जाते हैं। ओके, तभी जाना है इस साइड पे और यहाँ से एक विंडो मिलेगा, सो विंडो से ना सीधा ही जंप लगा के आइला। भाई क्या हो गया ये? अरे भाई चार बंदे थे यहाँ पहले से थे और मैं अकेला बेचारा इनके बीच में फंस गया हूँ। देखो गाइस, पांच एनिमी एक रिंग के अंदर, वो भी चार तो एनिमी है, मैं अकेला ही आया हूँ इसके अंदर। यार ये वाला बहुत ज्यादा ओपी एंड मस्त खतरनाक भी बोल सकते हो। और मेरा जो स्क्वाड है ना, वो देख सकते हो यहाँ से 90 मीटर दूर पड़ा हुआ है और मैं इसके बीच में आ चुका हूँ। वैसे तुम लोग बोलोगे यार नेट तो ऑफ है, तो नेट हमने इसलिए ऑफ किया था ना क्योंकि अगर ऑफ नहीं करेंगे तो भाई जो रिंग है ना वो टाइम बहुत ही कम होता है, तो सबके सब खत्म हो जाएगा, तो मजा नहीं आने वाला ना। और याद रखना, जब सेंटिनी को यूज करोगे तुम ना, तो वो ज्यादा दूर ना जाने पाए, क्योंकि अगर वो ज्यादा दूर चला गया यार, उसके बाद टेलीपोर्ट करोगे ना तो वापस रिंग के अंदर घुस दिए जाओगे, मतलब वापस खींचे जाओगे। और उसके बाद एक और चीज याद रखना कि देखो गाइस, हमने यहाँ पे सेंटिनी यूज किया, ये हम बाहर आ चुके हैं, लेकिन अगर बिना नेट का ऑफ करे भाई यहाँ से दूर जाने की कोशिश करोगे ना, फिर भी ये रिंग है ना तुम्हें वापस खींच के अंदर ही डाल देगा। ये लो, इसलिए गाइस हमने यहाँ पर नेट को ऑफ किया था, क्योंकि बिना नेट ऑफ किए गाइस बाहर तुम चले जाओगे लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे इसकी वजह से। सो चलो समझ गए होगे, ट्राई करना। ओके ठीक है, चलो एक और तगड़ी चीज दिखाता हूँ गाइस, एक टेलीपोर्ट बिना जीरो डैमेज। ओम ठीक है, अब गाइस यहाँ से अगर नीचे जंप करो तो क्या होगा, मुझे डैमेज होगा? ऑफ कोर्स भाई, रियली में डैमेज होगा। ये देखो अच्छा खासा मैं डैमेज हो चुका, इतना ऊपर से कूदेंगे तो डैमेज तो होगा ही ना। ठीक है चलो अभी दिखाता हूँ एक मस्त वाला ट्रिक, एंड ऊपर से हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं वो भी बिना डैमेज के। हमें एक ग्लोअर लगाना है कुछ इस तरह से, और हमारे पास एक छोटा वाला मिनी लॉन्च पैड तो होना ही चाहिए। अब इस ग्लोअर को ऊपर चढ़ जाना है और जो मिनी लॉन्च पैड था ना, उस लॉन्च पैड को इसके मुंह के सबसे सामने, मतलब ग्लोअर के सबसे आगे वाले हिस्से में कुछ इस तरह से प्लेस कर देना, उसके बाद इस ग्लोअर को फोड़ देना। चलो इसे फोड़ देता हूँ, उसके बाद जो हमारा लॉन्च पैड है वो हवा में उड़ता ही रहने वाला है। एंड अब गाइस देखना मैजिक। सो अभी हमें सीधे जंप करना है उस लॉन्च पैड के ऊपर, और ये लो व्हाट, ए क्या हुआ यहाँ पे? भाई मैं तो ऊपर जंप किया था और मैं नीचे आ चुका हूँ, वो भी बिना किसी डैमेज का। देखो एक भी डैमेज नहीं हुआ। चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं और इस बार फिर से अच्छे से कूदते हैं इसके ऊपर। एंड देन वो भाई देख रहे हो, इससे पहले मैंने कूदा था भाई, अच्छा खासा मैं डैमेज हुआ था, लेकिन अभी हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं और एक भी हेल्थ नहीं गया।
गाइस इसे बोलते हैं ना ट्रिक्स। तो ये हमारा टेलीपोर्शन वाला, मतलब टेलीपोर्ट कर सकते हैं वहां से। अबे यार ये तो गायब हो गया। उसके बाद हम नीचे कूदते हैं, तो भाई ये लो हमारा अच्छा खासा डैमेज हो चुका है। लेकिन जब वो था तब तो भाई नहीं हुआ ना। चलो तुम्हें ट्राई कर रहे ना, कितने ऊपर से कूदोगे ना कुछ भी नहीं होने वाला। ओके गाइस अब बताता हूँ भाई हम लेजेंडरी बंडल को कैसे यूज करेंगे। ये देखो एक न्यू क्रॉपलैंड का मैप जो की फीचर से भरे पड़े हैं भाई। यहाँ पर सबसे पहले मैच को स्टार्ट करोगे तो बीच में तुम एक हवेली देखने को मिल जाएगा जहाँ से हम फाइट वाइट कर सकते हैं। बट हमें फाइट से मतलब है नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीजें है गाइस। सबसे पहले तो जिपलाइन प्लेन है जहाँ से ट्रैवल अराइवल थोड़ी कर सकते हो, लेकिन इस पे भी मजा नहीं आने वाला। ओके सो यहाँ पर देखो ना ऊपर तीन फीचर्स है। अब सबसे पहले वाले क्लिक करोगे तो काफी सारे लेजेंडरी इमोट मिलेंगे जो कि तुम कर सकते हो। वैसे इसकी मतलब है नहीं क्योंकि हमने इमोट काफी सारे यूज कर लिए। अब अगर स्क्रीन में देखोगे ना तो बहुत सारे लेजेंडरी वेपन भरे पड़े हैं और सबके सब लेजेंडरी। यहाँ से हम कुछ भी सिलेक्ट करके ले सकते हैं। उसके बाद ग्लू वॉल है, कटाना वेटाना, भाई साहब क्या ये देखो। और इस कटाना को हम इसकी एनिमेशन को चेंज भी कर सकते हैं, ये इतना ज्यादा लेजेंडरी है यार। है ना ऑसम यार, अभी तो कुछ भी नहीं, ये तो हमने वेपन देख लिए और मेडकिट देख लिए। अब तीसरे वाले में करोगे तो आते हैं भाई कुछ लेजेंडरी वाले बंडल जो कि ये रहा हमारा पहला इलाइट पास वाला बंडल। अरे यार रुको, तभी तो एक ही हुआ है ना, यहाँ बहुत सारे बंडल है। सो फिर से हम बंडल पे क्लिक करते हैं और VIP 2 पे ये लो हमारा दूसरा इलाइट पास का बंडल जो कि इतना ज्यादा रेयर था तुम्हें पता ही होगा। तो इसे भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं और देखते हैं। ओके ये वाला तो आई थिंक गाइस इंक्लूवेटर वाला है ना। हाँ वैसे चलो ठीक किया है, देखने में तो काफी तगड़ा गया है। उनका आते कॉस्ट्यूम 2 पे 3-2 वाला ना। अरे यार ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, पता नहीं इसमें कुछ ग्लिच होगा। चलो ठीक है कॉस्ट्यूम 3 पे। ओके ये आई थिंक ब्लैक वाला जर्सी, वो चलो ठीक ही है अभी। कॉस्ट्यूम 4, अभी ये तो बन्नी बंडल है ना, लेकिन आधा दूर किस देखा है इन लोगों ने। ठीक है यार ये भी मस्त है। एंड अभी और भी देखते हैं कौन कौन सा बंडल है। सो इसमें भी क्या कॉस्ट्यूम 5, ओ यार ये तो व्हाइट वाला जर्सी है और ऊपर से भाई इसका मुंह खोटा तो देखो। चलो ये वाला भी ऑसम है। एंड और देखते हैं, नहीं नहीं ये वाला उतना कुछ खास नहीं है, ये तो सबके पास ऐसे ही पड़ा होगा। कॉस्ट ओ अभी नंगू पंगू वाला बंडल भी इसके अंदर है यार, मैंने तो सोचा ही नहीं था। अरे इसका क्या नाम था यार, मैं भूल ही रहा हूँ, टाइटन, हाँ ना टाइटन गाइस कुछ ऐसे ही था इसका इवेंट वगैरह, सो याद नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ यार ये वाला बंडल काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। चलो बंदे बंदे तो मार रहे हैं भाई, जहाँ पाते हैं। और गाइस और कौन था कॉस्ट्यूम, अरे दूसरा वाला भी नंगू पंगू है भाई, यहाँ पर दोनों को दोनों ये यार, ये गाइस कूल है भाई। ओ रेड क्रिमिनल, पूरे यार पूरे के पूरे लेजेंडरी बंडल भाई सब के सब यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। और इमोट तो है बहुत सारे लेजेंडरी वाले, वेपन भी पड़े पड़े लेजेंडरी वाले, और बंडल तो तुम लोग देख ही सकते हो काफी ज्यादा है गाइस। ओके सो तुम लोग सोच रहे हो यार मैप को हम भी खेल पाते हैं, तो ये लो ना खेल लो ना गाइस, ये ना मैप कोड तुम भी जाके ट्राई कर सकते हो। बट हाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि ये इंडियन सर्वर पे काम नहीं करेगा आई थिंक, मुझे लग रहा है, मैंने ट्राई नहीं किया बट हाँ काम नहीं करेगा, ये इंडोनेशियन सर्वर पे काम करता है ये बंडल वाला। तो तुम लोग भी सोच रहे हो ना भाई ये अच्छी चीज़ें हमेशा इंडोनेशियन सर्वर पे क्यों मिलती है यार, इंडियन सर्वर पे क्यों नहीं आता। तो वो लगना भाई कुछ ज्यादा कोडिंग वोडिंग करते हैं, मतलब ऐसे भी थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड है और तगड़े तगड़े भाई मैप पूरा डिजाइन करते हैं स्क्रिप्ट के साथ में, क्योंकि यार वो ज्यादा दिमाग लगाते हैं। सो ठीक है यार क्या ही कर सकते हैं। चलो यार वीडियो को लाइक कर देना और नहीं तो सब्सक्राइब बटन भी दबा देना। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, बाय।